तो देख सकते हैं ये दो खानी हम लोग एक बड़ा वाला एक छोटा वाला ले चुके हैं और हम लोग घर पे खाएंगे। गाड़ी पे लोड हो चुका है और यह तुलसी का गाछ है जो कि यहाँ पे मिला, मेरे घर पे मर गया था, खेत में रहता तो खराब ही हो जाता, इसके वजह से हम इसको घर लेके जा रहे हैं, पूजा पाठ होगा। बाकी चलते हैं, इसको बांध देते हैं लबड़ से। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में, स्वागत है शीला मिथुन के ब्लॉग्स में। और आज सुबह का गुड मॉर्निंग हो चुका है, टाइम अभी 8 बज चुका है और मॉर्निंग के टाइम में हम कुछ ऐसा फल खाने वाले हैं जो शहर में बैठ के बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच लेके चलते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए यहाँ पे वो बैठ के खा रहे हैं और ये है ताड़। कुआ है, तार नहीं बोला जाता, तार का कुआ है और मैं एक सबसे ज्यादा खाऊंगी। तो देख सकते हैं कैसा लगा। अगर दी आप लोग को भी खाना, अगर दी आप लोग को भी खाना है तो मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे लेकिन खिलाएंगे नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम खा रहे हैं, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वो पानी पी रहा पर इसमें पानी है ही नहीं। साल में एक ही बार ये फल होता है और टाइम अभी ये नहीं करता तो पोकत हो जाता कसेली। अभी तुरंत कटवा के मैं, ताजा है, बहुत खूबसूरत लगता है खाने में। ये तो धाए धाए खा रहा, देखिए लग रहा है कभी देखा ना बंदर की तरह। देखिए देखिए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा किसको किसको खाना है, अपना एड्रेस सेंड कीजिएगा, ये पार्सल हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना डमोला था, इतना हम लोग चाँप दिए ईटा से इधर के और इतना सूखा डमोला गाछ से झड़ा है जो कि ये इसका भी काम हो जाएगा, जलावन में हो जाएगा, ये छप्पर को देने में हो जाएगा। इतना सारा हमने ये काम किया अकेले ही और इतना सूखा लकड़ी हो गया। आपको चलते हैं दिखाते हैं ताड़ कितना कटा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इतना ताड़ एक गाछ से कटा है, इस बार बहुत ही कम आया था एक गाछ में इसलिए कम लग रहा है। बाकी आप लोग को ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। मॉर्निंग दोस्तों, मिथुन और शीला के ब्लॉग्स पे आप लोग का स्वागत है। आज हम ताड़ का गाछ कटवा रहे हैं अपने खेत में, तो देख सकते हैं कि गाछ पे झड़ गए हैं और ये एक गाछ काटे हैं और ये दूसरा गाछ शाम तक में कटेगा क्योंकि आज वो लटक के उसमें नहीं काट पा रहा है। और ताड़ भी कटवा रहे हैं, ताड़गा से ताड़ कटवा रहे हैं जो कि आप लोग देखे होंगे, बाकी आप लोग को भी दिखाएंगे कैसा होता है ताड़। देखिए यही है ताड़, देख सकते हैं यही है ताड़, ताड़गा से कटवा दिए हैं, बाकी ये डमोला से झपा हुआ है, बहुत सारा ताड़ कटा हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए दोस्तों एक चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ। ताड़ गाछ से कुआ काट रहे हैं, देख सकते हैं ताड़ गाछ पे चढ़ रहे हैं पसीवा।
गाछ से आज ताड़ का पत्ता काटेंगे और ताड़ काटेंगे। आप लोग शायद खाए भी होंगे, उसका कुआ खाने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ताड़ गाछ पे चढ़ रहे हैं। ये बीच वाले ताड़ पे चढ़ रहे हैं, ये बगल वाले ताड़ का गाछ कल ही कटवाए, आज ये वाला कटवा रहे। इसमें बहुत ही ज़्यादा ताड़ फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, ये कटना स्टार्ट हो गया। पहले सूखा डमोला कट रहा है, इसके बाद कच्चा, इसके बाद ताड़ काटेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये कच्चा डमोला कटने लगा मेरे गाछ का, इसके बाद ताड़ कटेगा। और ये रहा मेरा बाइक, बाइक से आए हैं ताड़ गाछ कटवाने के लिए। आप लोग को ताड़ का कुआ भी दिखाएंगे कि कुआ कितना मस्त लगता है खाने में। बाकी अभी ताड़ कटेगा, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। ये ताड़ कट रहा है, ताड़ गिरने वाला है। ताड़ कटना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं खाली कर दिया है पूरा एकदम काट के पत्ता को, और तीन खानी बचा हुआ है, तीन खानी बचा हुआ है पत्ता यहाँ पे कटा है, एक जगह जमा कर दिए। ताड़ के साथ में डमोला सूखा वाला भी गिर गया, पूरा परेशान हो गया ये डमोला को साइड करते हुए, क्योंकि ताड़ गिरता उस पर तो फट जाता, छारने में बनता नहीं। दोस्तों कट गया हमारा डमोला, ताड़ भी और पसीवा उतरना स्टार्ट हो गया बहुत सारा। कट गया मेरा डमोला, दिखाते हैं ताड़। तो देखिए ये ताड़ है, यहाँ है ताड़, ये है ताड़। इसमें कुआ निकलेगा और बहुत ही बेहतरीन लगेगा खाने में, क्या मजा आएगा। कल कटा हुआ था उसको चाँप दिया डमोला को ईटा से दे करके, और ये कच्चा है, कच्चा डमोला को आज चापेंगे अकेले ही, क्योंकि पापा तो चले गए काम पे और हमको अब अकेले ही इसे सारा डमोला को सेट करके उसके बाद घर चले जाएंगे।